फरमाया सहाबा में एक शख्सियत है जिसका चेहरा नबी के चेहरे के ऐन मुमासिल था, जिसकी दाढ़ी नबी के दाढ़ी की ऐन मुमासिल थी, जिसके सारे का सारा हुलिया हुजूर के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। और गज़वाए उहद में यही सहाबी जब शहीद हुआ, लोगों ने कहा मोहम्मद शहीद हो गए हैं, हुजूर शहीद नहीं हुए थे, यही मुसअब बिन उमैर शहीद हुए थे। ये मुसअब बिन उमैर था जिसका चेहरा हुजूर के चेहरे के बिल्कुल बराबर मिलता जुलता मुमासिलत थी। इसने हुजूर वाली दावत जब दी, कहते हैं दावत देने की देर थी, वो जो तलवार लेके आया था, सर कलम करने के लिए आया था, सर लेने के लिए आया था, सर दे के चला गया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब ये तलवार वापस लेकर कहता है तुम जरा ये ठहरो, मैं दूसरा बंदा लाता हूं, अगर उसने कलमा पढ़ लिया सारा मदीना तुम्हारा गुलाम है। कहा वो कौन है? कहा साद बिन मुआज है। ये चलते गए साद बिन मुआज के पास और वो लोग भी कुफर में रहकर भी बड़े नब्बास थे, बड़े बंदा शनास थे। साद बिन मुआज ने हजरत सैद बिन खुजैर के इस चेहरे को देखा और चेहरे को देखकर कहा लोगों मुझे उसैद पहले जैसा नहीं लगता है, मुझे उसैद पहले जैसा नहीं लगता, अब ये बदला हुआ लगता है। ये पूछा कहा बताओ कतल करके आ गए हो? मुसअब बिन उमैर को मार के आ गए हो? असद बिन जुरारा को? कहा नहीं मारा नहीं है, मैंने उनकी बात को सुना है और वो बात बड़ी अच्छी लगी है। मेरे साथियों में एक बात कहा करता हूं, मैं कहता हूं आज दुकानों पर बैठ के दूसरे के तलबा को तंग करना, आज दुकानों पे बैठ के दूसरे के मसलक पे अटैक करना, आज गलियों में बैठकर दूसरे के खिलाफ गुल्लेबाजी करना और नारा हैदरी मौला अली मुश्किल कुशा लगाना, ये मेरा तेरा काम नहीं था, ये अंसार का काम नहीं था, ये सहाबा का काम नहीं था। खुदारा गलियों में बैठकर लोगों के खिलाफ गलत लॉबिंग करना, लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग करना, लोगों के खिलाफ गलत प्रोपेगंडा करना, ये मदीने के मुनाफिकों का काम था, ये मुशरिकों का काम था, ये काफिरों का काम था। मैं तुझे काफिर नहीं कहता, मैं तुझे मुशरिक नहीं कहता, मैं तुझे मुनाफिक नहीं कहता, सिर्फ ये कहता हूं उन वाला तर्ज अमल छोड़ दे, उन वाला तरीकेदार छोड़ दे, मेरे छोटे छोटे तलबा बच्चों को तंग करना छोड़ दे, हमारा कुरान पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को तंग करना छोड़ दे। मैं तुझसे ये भीख मांग के कहता हूं, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं, मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, इसलिए मैं अर्ज करता हूं असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिस वक्त ये दावत आगे चली साद बिन मुआज को लेकर आगे और साद बिन मुआज ने कहा तू नहीं मार सकता, मैं खुद मारता हूं। साद बिन मुआज मारने के लिए तलवार लेके आगे। यहां भी वही बात हुई, बाबा बात सुनो, पसंद आए तो मान लो, ना पसंद आए छोड़ दो। कहा बात तो इंसाफ की है, बात को सुना, सुनते ही साद बिन मुआज जो सरदार था खजरज का, और ओस और खजरज इन दोनों कबीलों में खजरज का कबीला बड़ा था, गोया बड़े कबीले का सरदार, आज कलमा पढ़ने लगा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब देखना जब आदमी कमजोर होता है दावत का अंदाज भी कमजोर होता है, जब आदमी तकड़ा होता है दावत का अंदाज भी तकड़ा होता है। हां हमारे तबाद में नाम नहीं लेता एक बंदा था, जब तबलीग में लगा तो उसके तबलीग में लगने से अल्लाह ने इतना फायदा दिया ना, अल्लाह रब कवी था, कुव्वत के साथ दावत देता। साद बिन मुआज सरदार था, कलमा पढ़ के चला गया, उसने जाकर अपने कबीले को जमा किया, बनू अब्दुल अशहल को जमा किया और जमा करके कहा मुझ पर इत्माद है, कहा इत्माद है, मुझे मानती हो? कहा मानती है। मैं कैसा हूं? आप बहुत अच्छे हैं। कहा मैं उस वक्त तक तुमसे बात नहीं करूंगा, उस वक्त तक तुमसे कलाम नहीं करूंगा, उस वक्त तक तुम्हें अपनी रियाय नहीं कहूंगा जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे। सारा कबीला कलमा पड़ गया, मेरे आका को ये खबरें मिल रही हैं। अब यहां पर ये नबुव्वत का 11वां साल है, नबुव्वत के 11वें साल में जब मदीने में कलमा आम हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त पता चला तो इन सहाबा ने हजरत असद बिन जुरारा, वो पहला सहाबी है, शायद आपने ये बात पहले न सुनी हो, असद बिन जुरारा वो पहला सहाबी है जिसने अपने इज्तिहाद के साथ मदीने के अंदर जुमा शुरू किया था। अपने इज्तिहाद के साथ, हुजूर का हुक्म नहीं है, कुरान का हुक्म नहीं है, सिर्फ ये सोचा कि यहूदी भी हफ्ते के दिन जमा होते हैं, ईसाई इतवार के दिन जमा होते हैं, हमारा भी जमा होने का एक दिन होना चाहिए। सहाबी का ज़ौक देखो, हम इसलिए कहते हैं सहाबा को भौंकने वालों तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते जहां तक सहाबा का ज़ौक पहुंचता है। सहाबी अपने ज़ौक से फैसला करता है, उस ज़ौक की ताईद खुदा भी करता है, मुस्तफा भी करता है, उस ज़ौक की ताईद अल्लाह भी करता है, अल्लाह का रसूल भी। किस तरह सहाबी ने अपने ज़ौक से, असद बिन ज़ुरारा ने अपने
अपने जोक से किसी से नहीं पूछा, सिर्फ यहूदियों को देखा, ईसाइयों को देखा, अपने साथियों को जमा करने के लिए उस दिन का इंतखाब किया जिस दिन को मदीने वाले यौमुल कुरुबा कहते थे, यौमुल कुरुबा कहते थे, जुमा नहीं कहते थे, जुमा तो नाम बाद में पड़ा। सहाबी ने दो काम किए, एक तो यौमे अरूबा को लोगों को जमा किया, अपनी इबादत जुमे की, और दूसरा उसका नाम यौमे अरूबा से बदला। असद बिन ज़ुरारा ने यौमे अरूबा से नाम बदला और नाम बदल के उसका नाम यौमुल जुमा रखा। यौमुल जुमा ये सहाबी का रखा हुआ नाम है, असद बिन ज़ुरारा का रखा हुआ नाम है। सहाबी ने इबादत के लिए जमा भी किया और नाम भी यौमे जुमा रखा। अल्लाह तेरी अजमतों पे कुर्बान, उधर सहाबी ये फैसला करता है 500 मील से ज्यादा का फासला है, उधर मेरे आका पे वही आ जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, कहना चाहिए था मिन यौमिल उरूबा, लेकिन सहाबी ने नाम यौमे उरूबा से बदलकर यौमे जुमा जो रख दिया है, अल्लाह ने भी उसके नाम को पसंद करके कह दिया इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम लिख दिया, मेरे आका ने खत लिख दिया मुसअब बिन उमैर को कि अल्लाह का ये हुक्म आ चुका है, अब लोगों को वो जो तुमने जुमा शुरू किया है उस जुमे की तरफ दावत दो और जुमे की नमाज शुरू करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जब 11वां नबुव्वत को, नबुव्वत के 11वें साल को पूरे मदीने का हजरत कबीला, पूरे मदीने का ओस कबीला कलमा पढ़ गया, अब अगले साल हज का मौसम आया, मुसअब बिन उमैर जिसको हुजूर ने अमीर बना के भेजा था, अब अमीर की कारकर्दगी है ना, आज मैं अगर एक बंदे को मुसलमान करूं मैं अपनी कारकर्दगी को जतलाता हूं, आज मैं एक दरवाजे को खटखटाऊं उसको तबलीग पे लगा दूं मैं अपनी कारकर्दगी जाहिर करता हूं। जिस मुसअब बिन उमैर ने पूरे मदीने को कलमा पढ़ा दिया था, उस मुसअब बिन उमैर ने अपने इन सारे मोमिनों को लिया हज के लिए आगे रसूलुल्लाह के साथ हज करने के लिए। अब देखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले साल सिर्फ 12 आदमी आए, इन 12 आदमियों से मेरे आका ने एक घाटी के अंदर जाके बैत ली, बाकी लोग बैतुल्लाह में अपनी शिर्क को बुतपरस्तियां कर रहे हैं, मेरे आका इन 12 को लेकर एक घाटी तारीख घाटी में रात की तारीखी में मेरे आका बैत करते हैं, और बैत में मेरे आका के साथ आपका चचा हजरत अब्बास है। हजरत अब्बास गए, उन 12 को मुखातब किया, आ देखो मैं कलमा नहीं पढ़ा, मैं जाऊँ मोहम्मद का उम्मती नहीं हूँ, लेकिन इसका चचा हूँ, ये मेरा भतीजा है, हम अपने खानदान के इस भतीजे को वैसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते, तुम अगर इसको जाओ साथ दो तो मैं जाओ तुम्हारे साथ हवाले कर सकता हूँ, वरना नहीं। 12 आदमियों ने कलमा पढ़ा, हुजूर के साथ बैत की, मुआहदा किया, चले गए। अगला साल आया, अगले साल 75 आदमी आ गए, 75 आदमियों ने आके तंग घाटी में रसूलुल्लाह को बुलाया। पहली बैत को कहते हैं बैते अकबा उला, दूसरी बैत को कहते हैं बैते अकबा सानिया। अब ये बैते अकबा सानिया में 75 आदमियों ने हुजूर के हाथ पे बैत करके हजरत अब्बास को ये यकीन दहानी कराई, फरमाया हमारा हम जब इनका साथ देंगे, ये साथ देने की महफल मुआहदा हो रहा है, इस मुआहदे में एक सहाबी का जुमला सुने इंसान की अकल हैरान रहती है, सहाबी का जोर पहुंचता कहां है। हजरत शैबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, इन्होंने मुखातब करके हुजूर से कहा हुजूर हम मदीने में आपका कलमा पढ़ के आपको दावत देते हैं, हम सारी छोटी सारी अपनी धानियां आपको देते हैं, लेकिन आपसे अपनी धानी लेते हैं, आप ये बताएं हम आपकी खातिर यहूदियों से बिगाड़ेंगे, हम आपकी खातिर मदीने वालों से बिगाड़ेंगे, कल को ये ना हो मक्का फतह हो आप मक्के में आ जाए हमें छोड़ के, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवाब दिया और उस जवाब पे कायम रहना लोगों बड़ा मुश्किल होता है, धरती की मोहब्बत मोहब्बत होती है, जमीन का हुक एक हुक होती है। मेरे आका ने फरमाया ओ अंसार तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ, तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम मुझे ना छोड़ना। फरमाया ठीक है आप आ जाए। ये बंदे इधर से निकलते हैं, उधर से अफवाह मक्के में पहुंचती है, मक्के वालों ने कहा पता चला है रात को बड़ी कोई कयामत आई है, पता किया काफला तो निकल गया, लेकिन काफले का एक बंदा पकड़ा गया हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये साद बिन उबादा ओस का सरदार है, इस सरदार को पकड़कर अबू जहल ने रस्सियों से बांधा और अपने घर में कैद किया, कैद करके कहा तुम तावन करो हमारे बागी का और हम तुम्हें छोड़ दे। हजरत साद बिन उबादा को जुबैर बिन मुतम ने पना दे के वापस भेजा। ये साद बिन उबादा वो है जिनको जिन्नों ने कत्ल किया था, जिन्नों ने कत्ल किया था और जिन्नों के तीर मारने से शहीद हो गए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज देखो नबुव्वत का 13वां साल है, ये काफिला जा चुका है
और मदीने में धूम मच चुकी है, हर तरफ मोहम्मद ही मोहम्मद हो चुकी है, कलमा ही कलमा फैल चुका है, मेरे आका अपने घर में है, हुजूर को पता नहीं है, इसलिए कि आलिमुल गैब तो थोड़े ही है, हाजर नाजर तो थोड़े ही है, हुजूर हर जगह मौजूद तो है नहीं है, इसलिए हुजूर को अपने घर में रहते हुए उस मशवरे का पता नहीं चल रहा जो मशवरा दारुन नदवा में लगा हुआ है। दारुन नदवा में सारे सरदार बैठे हुए, इन सरदारों ने लोगों को बुलाया, आज रात को अहम मशवरा होगा, वो कबीला तो चला गया है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम दारुन नदवा में एक अहम मशवरा करेंगे। उस मशवरे का पता शैतान को पहले से था, जहर है शैतान एक नजदी बूढ़े की सूरत में वो शैतान आया और दारुन नदवा के दरवाजे पे खड़ा हो गया। अंदर सरदार है, किसी ने पूछा आप कौन है, कहने लगा मैं शेख-ए-नजद हूं, मैं आया हूं तुम्हारा तुम्हें राय देने के लिए। कहा अंदर आ जाओ। अंदर दरवाजे के पास वो बूढ़ा शैतान बैठ गया। मशवरा चला, पहला मशवरा कि मोहम्मद का सफाया किस तरह करें, पहला मशवरा देता है अबुल बुख्तरी, दूसरा मशवरा देता है अबुल अस्वद, तीसरा मशवरा देता है अबू जार। अबुल बुख्तरी ने कहा मैं तो ये कहता हूं मोहम्मद के गले में रस्सी डालो, जंजीर डालो, पकड़कर किसी कमरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो, अंदर ही मरेगा खपेगा, जान छूटेगी। शेख नजदी ने कहा, उस बूढ़े शैतान ने कहा तुम नहीं जानते मोहम्मद की जुबान में जो तासीर है, इसके अपने लोग जाकर वो दरवाजा तोड़ेंगे और तोड़कर इसको निकाल कर लाएंगे। ऊपर से अबुल अस्वद बोला कहा नहीं नहीं मेरी राय ये, मोहम्मद को एक पागल ऊंट पे बिठाओ और उस पागल ऊंट पे बिठा के उसको भेज दो, कहीं जलावतन हो जाएगा, हमारी जान छूटेगी। शेख नजदी शैतान ने कहा मैं इस राय के साथ नहीं देता, ये तो फजूल राय है, जहां भी जाएगा अपना जत्था और जमात बना लेगा, जुबान में जो तासीर है उनको लेकर तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। अब तीसरा मशवरा अबू